नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। EPFO के SSC का जो पेपर है, बहुत सारे बच्चे लगातार अब कॉल कर रहे हैं कि सर अब पेपर कब हो सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि इसकी सूचना सबसे पहले मैं आपको आके दूंगा, जैसे ही आपके एग्ज़ाम डेट की समथिंग बात आती है या फिर अब आगे की तैयारी कैसे की जाए, इन सारी सूचना को लेकर मैं आपके सामने अभी आया हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। EPFO SSC का पेपर, क्योंकि आप सबको पता है कि NTA करवा रहा है और जैसा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डेट, अगर आप उससे पूछो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी हालांकि ऑफिशियली कुछ भी क्लियर नहीं है, बट जून का जो सेकेंड वीक है ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के डेट की वीक हो जाए। तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, जो भी मैं आपको यहाँ पे आता हूँ बताने, कुछ मेरे पास सबूत होता है तभी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि कुछ भी ऑफिशियली यहाँ पे नहीं है, ऊपर भी जा सकती है और बिफोर भी हो सकती है, बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो बातें चल रही है, वो आपके जून के जो सेकेंड वीक आपका जून है उसमें हो सकता है, मतलब 14-15 जून के बीच में आपका जो होगा पेपर यहाँ पे हो सकता है। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आज के डेट से देखा जाए कि जून में अगर पेपर हो गया तो स्थिति वाकई में नाजुक हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास 30 दिन बचा है। लेकिन घबराने के लिए उन बच्चों के पास समय है जो बच्चे अभी तक जगे नहीं हैं, जो बच्चे पहले से ही जगे हैं, पहले से ही कोर्स से जुड़े हैं, तैयारी लगातार कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। आपका ऑलरेडी बहुत सारा मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं अपने मैथ्स की बात करूँ तो एक सेगमेंट आपका एथमेटिक का खत्म कर चुके हैं, ऐसे ही आपका रीजनिंग का, ऐसे ही आपका इंग्लिश का, और फिर आपका बाकी कंप्यूटर और GS के संभाग में भी, क्योंकि GS में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाना है तो उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा उस पर वेटेज नहीं देना है। तो अगर ये अभी आप देखो NTA की वेबसाइट पर यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। इवन EPFO की वेबसाइट पर देखोगे तो जो लेटेस्ट है वो ऑफिस मेमोरेंडम रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ पोस्ट ऑफ डेपुटेशन बेसिस इन EPFO का है। लास्ट उससे पहले का जो आपको नोटिस मिलेगा वो किसका मिलेगा, फॉर्म का ही मिलेगा जो नोटिफिकेशन, और इसे खोलोगे तो NTA वाला ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिलेगा, लेकिन उसे दिखाने का एक कारण मेरा और है। मैं उसे और भी इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप कर रहे हो और अपनी तैयारी से या अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हो। मैंने आपको बताया था कि आपका जो EPFO का पेपर होगा SSC का, वैसे तो EPFO खुद ही पेपर कराता है लेकिन इस बार क्या करा रहा है, NTA करा रहा है, और NTA आपकी टाइपिंग भी कराएगा और NTA ही आपका क्या कराएगा, NTA ही आपका रिटर्न एग्जाम भी ले रहा है और पेपर भी वही बना भी रहा है। इवन मैं आपको ये बोलूँ कि पेपर बन चुका है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये थी कि जो आपका सिलेबस था इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ आपके इसके सिलेबस जो पैटर्न था एग्जाम का, ये क्वालिफिकेशन है, एक बार मैं आपको सामने ला के दिखा दूँ, ये तो पोस्ट की डिटेल है, एक बार दिखा देता हूं मैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी आपके पोस्ट हैं, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में या पार्ट है उन सब्जेक्ट का आपका इंडिविजुअली भी कट ऑफ क्लियर करना है और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। ये दोनों ही जब आप क्लियर कर लोगे तब आपका जाके कहीं पर सिलेक्शन हो पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें यहाँ पे तैयारी अपनी करनी है तो अब लास्ट टाइम पे किस टाइम पे हमें किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा समय देना है, तो देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, इसमें आपका करंट अफेयर्स और GK आएगा। मैं अभी बोलूँगा कि लास्ट टाइम में इसे पढ़ना थोड़ा सा कम कर दो, ये जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तब आप इसे दोबारा पढ़ने से प्रयास करिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दो बट थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक आप इसमें समय देते आए हो। इसमें आप जितना हो सकता है वो करंट और स्टैटिक पार्ट, जो आपकी क्लास, जैसे सुबह आपकी क्लास चल रही है कौन सी, सुबह 10:30 वाली क्लास है ना, 10 बजे वाली, सॉरी 10 बजे वाली क्लास, 10:30 वाली क्लास, ये दोनों जरूर करो। 10 वाली क्लास में आपका क्या कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स और GK को कंप्लीट कराया जा रहा है, साथ में जो 10:30 है उसमें वो कैब आपको कराया जा रहा है, तो ये वाली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों ही परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन भी इसमें आपका 50 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, नेगेटिव 1/4 है, तो जब आपका 50 यहाँ पे है, क्योंकि कंप्रहेंशन इसमें अलग से पूछेगा, 30 इसमें सेम होगा, 30 30 30 30 का पैटर्न है, 20 क्वेश्चन कंप्रहेंशन का होगा, तो अलग से आप कंप्रहेंशन की क्या करो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अभी से इंग्लिश के लिए, अभी से जो आपको काम करना है क्या, एक कंप्रहेंशन अभी से लगाना शुरू कर दो, ज़्यादा नहीं, एक टारगेट बनाओ कि एक कंप्रहेंशन मुझे रोज करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कंप्रहेंशन कहाँ से करूँ, तो आप SSC की प्रीवियस ईयर उठा लो। SSC का प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, आप किरण वगैरह पब्लिकेशन की बुक ले लो, जो चैप्टर वाइज ना हो कि पेपर वाइज हो, और उन पेपर वाइज में जब आप करोगे तो उनमें केवल आप कंप्रहेंशन पार्ट को क्या करो, एक उठा के प्रैक्टिस कर लो, या कंप्रहेंशन की बहुत अच्छी बुक भी आती है, आप उसे ले सकते हो, ठीक है, मैं उसे आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक है,
तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। कंप्रेंशन डेली आपको एक करना है। जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपका जो है कहीं ना कहीं मैथ्स है। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात किया जाए, मैथ्स में आपका जो कोर्स है वो लगभग कंप्लीट होने के 50-60% आपका कंप्लीट हो गया है। ऐसे आपका 40-45% जो कोर्स बचा है वो आपके अगले 20-25 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसलिए आपकी क्लासेस अब डेली कर दी गई है। दूसरी बात, आपका जो रीजनिंग है इसमें आपको ज्यादा समय नहीं करना है, बस प्रैक्टिस ज्यादा करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट कम है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। बाकी आपका जनरल इंग्लिश के लिए मैंने बता ही दिया, एक वोकैब पोर्शन, दूसरा कंप्रेंशन करते चलो। कंप्यूटर लिटरेसी का आपका 10 क्वेश्चन यहां पे है, बट क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ है तो ये 10 क्वेश्चन भी आपके लिए क्या करता है, मैटर कर जाता है। तो पांचों में अलग अलग इंडिविजुअली कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है, इसकी भी तैयारी करना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट रहेगा, तो भाई एनटीए हमेशा हिंदी में मंगल फॉन्ट ले रहा है और इंग्लिश में कोई भी फॉन्ट मतलब नहीं रखता है। तो हालांकि अभी आप फर्स्ट स्टेज की तैयारी करो, 1:10 आपका बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो बच्चे हिंदी से टाइपिंग करना चाह रहे हैं वो अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाते रहो और जो इंग्लिश से करना चाह रहे हैं वो भी टाइपिंग करते रहो। हालांकि इंग्लिश में टाइपिंग बढ़ाना थोड़ा सा आसान होता है स्पीच को बढ़ाना। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आपको ईपीएफओ के लेके होती है, एसएससी को लेके, मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। जो बच्चे अभी भी जगह नहीं है या ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा सो लें, आराम कर लें फिर पढ़ेंगे, तो मैं उनको बता दूं फिर ऐसे सिलेक्शन होना नहीं है, अभी से आपको जगना पड़ेगा, समय आपके पास बहुत कम है। मैक्सिमम अगर बोला जाए, मिनिमम मैक्सिमम का रेंज लिया जाए, 30 से 45 दिन आपके पास अब से समय है। 45 दिन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना ज़्यादा केस है कि आपको 30 दिन का समय ना मिल पाए, तो अपनी तैयारी जारी रख दीजिए। जो बच्चे अभी भी कोर्स से जुड़ना चाहें तो परीक्षा प्लस ऐप पे ईपीएफओ एसएससी का बहुत ही प्रॉपर कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स चल रहा है, आप वहाँ से जुड़ के अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। एक अनाउंसमेंट मैं आपको करूँगा, जैसे एग्जाम डेट यहाँ पे घोषित हो जाएगी आपका प्रैक्टिस सेशन पब्लिकली यूट्यूब पे कराना शुरू कर दूंगा, बट कॉन्सेप्ट क्लासेस बच्चों आपकी ऐप पे ही होगी। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।